जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ट्रू एंड फॉल्स। ओके बेटा, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ये जो फर्स्ट है ए स्टेटमेंट, आपकी बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, इन अ सेट ऑफ डेसिमल नंबर्स इफ ईच नंबर हैज अ डिफरेंट डेसिमल प्लेस देन द नंबर्स कैन नॉट बी एडेड। क्या आप आपके पास फर्स्ट करेंगे टू डेसिमल नंबर्स थे, इनमें देखें डेसिमल नंबर्स के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस आ गए, 1 और इसमें 2 आ गए। इट मींस इनके डेसिमल प्लेसेस जो है वो डिफरेंट है, तो अनलाइक डेसिमल नंबर्स बन गए। क्या ये आपस में ऐड नहीं हो सकते बेटा, तो ऐसा कहना गलत है। यस इट कैन बी एडेड बेटा, इनको ऐड कर सकते हैं। देखिए हमने किया तो बुक में आ रहा था कैन नॉट बी एडेड, तो बेटा इसका मतलब उसकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, और बी पार्ट में देखिए लाइक डेसिमल नंबर्स आर द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस सेम आ रही है, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रही हो डेसिमल नंबर में भी और सेकंड में भी, तो देखिए दोनों में अगर डेसिमल प्लेस वैल्यू सेम आ रही है तो मींस क्या होता है कि वो दोनों डेसिमल नंबर्स लाइक डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं बेटा। ठीक है, तो इट मींस इसकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। उसने भी यही कहा था कि ऐसे नंबर्स को लाइक डेसिमल नंबर्स कहते हैं। यस इट इज, इट्स आंसर इज यस। अच्छा सी पार्ट देखिए, वो कहता है द नंबर दिस वन 81.008 इट हैज वन डेसिमल प्लेस। कहते हैं इसमें सिर्फ वन डेसिमल प्लेस है बेटा, ऐसा कहना तो गलत है। इसमें तो 3 डेसिमल प्लेसेस आ रही है, पॉइंट के बाद देखिए 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इट मींस उसकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा बहुत आसान है, वही सारे क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, कि डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट नंबर ए में। तो देखिए आप इन टू नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25.395, तो वो आंसर आपका प्रैक्टिस करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना बेटा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।